समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा पर की गई टिप्पणी को लेकर घमासान जारी है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान का बचाव किया है, तो वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आजम खान पर जुबानी तीर चलाए हैं। दरअसल सोमवार को मुरादाबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आजम खान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आजम खान का बयान गलत संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने कहा था कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहने रहते हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि उन्होंने किसी और के बारे में ऐसा कहा था। हम समाजवादी लोग कभी भी किसी महिला के प्रति या फिर बेटियों के प्रति किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव ने मीडिया से बात करते हुए आजम खान पर निशाना साधा। अपर्णा यादव ने कहा कि आजम खान वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। महिलाओं के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपको बता दें कि आजम खान के जयप्रदा पर टिप्पणी करते वक्त अखिलेश यादव सहित कई सपा नेता उसी मंच पर वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने आजम को रोकने या समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा अखिलेश यादव ने आजम खान के बयान को सही ठहरा दिया। वहीं एक और सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि उन्हें ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। आपको बता दें कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव का मुकाबला अब पूर्वांचल के सुपरस्टार और बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ से है। निरहुआ को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। निरहुआ भी अखिलेश को कड़ी टक्कर दे रहे हैं आजमगढ़ में। ऐसे में आजम खान के बयान पर हो रही बयानबाजी आजमगढ़ में अखिलेश का खेल यकीनन बिगाड़ सकती है। अब सपा की ओर से आ रहे अलग अलग बयान और अपर्णा यादव के कड़ी कार्रवाई करने की बात से अखिलेश की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं निरहुआ को मिल ही सकता है। और हो सकता है कि निरहुआ आने वाले दिनों में आजमगढ़ में अपनी जीत दर्ज करके इतिहास रच दें। पूर्वांचल के ऐसे ही लगातार ताजा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।